So everyone, so click on this file, new project here. In the new project, here write the name of the project as calculator. Calculator. Click on OK. Click on OK. Heavy software, so it will take time. Now, so drag this. Drag कर दिए. Now this one also. So both in x and y axis, drag it. Now click on not in data source. What tools setting? Just wait a minute. Now see here. So here in the left side toolbox is not coming. So here is one option. See here in the toolbox. Here, click on this toolbox. Either you have to click on this toolbox or here is a shortcut. Control Alt X. Control either plus. Control Alt X. याद करने की कोई जरूरत नहीं है. सॉफ्टवेयर में आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है. ब्रेनलेस जो होते हैं वो याद करते हैं. कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना. कंट्रोल सी कंट्रोल बी. हाउ मेनी शॉर्टकट्स यू विल रिमेम्बर? नॉट पॉसिबल. ये जो है शॉर्टकट बनाया जाता है प्रोग्राम के थ्रू बनाया जाता है. ठीक है ना. तो आपको शॉर्टकट रटने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू रिमेम्बर दिस थिंग. नो नीड टू बटिफाई दिस 10 टाइम्स. सो जस्ट हियर गो हियर. सो शॉर्टकट इज हियर. कंट्रोल ऑल्ट एक्स. ठीक है ना. सो क्लिक हियर. सो ऑल द टूल बॉक्स इज हियर. सो आई वॉन्ट टू डिजाइन वन कैलकुलेटर प्रोग्राम. सो आई नीड वन लेबल. सो क्लिक ऑन दिस लेबल. क्लिक ऑन दिस लेबल. नाउ सी हियर. नाउ हियर इन द लेबल इन द राइट सेक्शन इन द प्रॉपर्टीज पैनल ऑफ द लेबल हियर क्लिक ऑन हियर. व्हाट इज दिस? राइट हियर फर्स्ट नंबर इन द टेक्स्ट बॉक्स. फर्स्ट नंबर. ठीक है ना. सो फर्स्ट नंबर. अगेन हियर इन द टूल बॉक्स I need one more level. Click on this level. So here again select the level 2 in the text box. Second number. Second number. Second number. Number. Now click on. So second number is there. First number is there. Level. And here again I need one text box. So click on this text box. Click on this text box. Drag कर दिए. So text box हमें क्या है? दिस इज द टेक्स्ट बॉक्स. अब यहाँ पे वैल्यू नहीं है. अगर कुछ भी लिखेंगे ना वो टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे दिखेगा. तो हम लोग जनरली क्या करते हैं टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक ही रखते हैं. ठीक है ना. ये ब्लैंक वैल्यू मतलब ये डबल कोट में क्या चीज है. सी यर लाइक दिस इट इज ब्लैंक है मतलब ये इस तरह से कुछ इसका वैल्यू है. इस तरह से है डबल कोट दिस. इसमें कुछ नहीं है. एक स्ट्रिंग है. टेक्स्ट बॉक्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग रहता है. डिफॉल्ट इसमें कोई वैल्यू नहीं डाला हुआ. ठीक है ना. ये इस तरह से ब्लैंक है. सो एवरी पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो सी हियर दिस वन. सो दिस वन इज वन टेक्स्ट बॉक्स. यू राइट हियर इन द टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट. इस ऑब्जेक्ट के टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने क्या किया? ब्लैंक किया. कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया. सेम अगेन आई नीड. सो वन मोर पॉइंट हियर. दिस टेक्स्ट बॉक्स आई वॉन्ट टू यूज इन माई प्रोग्राम. प्रोग्राम जब हम करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स का हम लोग यूज करना चाहते हैं. सो एवरी ऑब्जेक्ट वी नीड टू बाइंड व्हाट? आइडेंटिटी. यूनिक आइडेंटिटी. लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग इज बाइंडेड विद वन यूनिक आइडेंटिटी दैट इज आधार नंबर और आधार नंबर. सो हियर ऑल्सो एवरी प्रॉपर्टी एवरी दिस ऑब्जेक्ट इज बाइंडेड विद देयर सिस्टम प्रोवाइडेड सिस्टम जनरेटेड आईडी. ये सिस्टम जनरेटेड आईडी है. ठीक है ना. जब बट सिस्टम जनरेटेड आईडी जो होता है कन्वीनियंट नहीं होता है प्रोग्रामर को. ठीक है ना. या डेवलपर को. जो हम लिख रहे हैं वो जो प्रोग्राम करता है उसको प्रोग्रामर बोलते हैं या जो डेवलप करते हैं उसको डेवलपर बोलते हैं. तो जो भी डेवलपर जो या प्रोग्रामर प्रोग्राम जब करते हैं तो एट द टाइम ऑफ यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट इन द प्रोग्राम दे वांट सम what convenient value but a system is generating this value this id. we can change this id also. like this is a text box. I am writing t1. click on ok.
Okay, means a text box one. Or you can write like this also, more meaningful, everything meaningful. TXT means text box one. Like this also you can write. Okay, now come to here toolbox. Next one is again text box is required, here text box. Same here, click on this text box, drag, and here also in the text box, this one is text box one, text box two. So in the text box two, change the ID as what? TXT to second text box. Now these are the two, first number, second number. So user will enter. So see here the output. इस तरह से हमारा आउटपुट आएगा. सी हियर एवरीवन, इस तरह से आएगा. फर्स्ट नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, सेकंड नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है ना. नाउ सी नेक्स्ट. यस सर. नेक्स्ट पार्ट इज क्लिक ऑन टूल बॉक्स. आई नीड द रिजल्ट, आई नीड द बटन्स. तो सी हियर बटन्स, वेयर इज द बटन? हियर. हियर आई वांट द सम. सो दिस बटन इज, बटन इज ऑल्सो वन ऑब्जेक्ट. सो दिस बटन हैज वन प्रॉपर्टी टेक्स्ट. Button has property text, so I am writing here what? Add. Add. Okay, so add is one button. So button को मैंने add पे क्लिक किया. Again I need one more, so I am what? Creating the button what? For subtract. I am designing the calculator. So in calculator we are what performing? Addition, subtraction, multiplication. So I have taken one button. Again next button, click on, click here. Now this one again. So this one is suppose button name is subtract. Subtract. So first we will subtract. Subtract only up to here. Next button is multiply. Multiply. So this one is multiply. Now select this button. Here is multiply. Multiply. MUS is multiply. So these are the three buttons. Okay. Now what is my requirement? Sir, divide. So we will discuss that also. So our time zoom period is 40 minutes. So main focus is on how to write the program. If you are able to write the program for add, same we have to change the plus into minus, minus into division and product. Okay. Now click on here. Output window. One more student joined. Who is that? So first number, second number. If I will click on this add button, I want the first number and second number. First or second number का output यहाँ पे display हो, ठीक है ना? इस तरह से हम लोग this program already we have done, but with not that much what with means user friendly message is not showing. Already we have done, but I want to display user friendly message. Okay, so because of that again I am discussing this. Question. This project. So see here. So in the add. Now everyone is it visible? सारे लोगों को दिख रहा है ना? Yes sir. No sir. No sir. No sir. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Then you have to tell because here switching is there. Lot of switching is there. So now. Sir, दिख रहा है. See here one text box I want. One click on another text box. Yeah. See here one text box I want. So text box. So here I will display the result. Here I in this text text box I will display the this one is text box. So this text box already I have selected. So here the name of this text box, for this text box object I am giving one identity, res means result. Everyone is able to see here. Now see here my requirement. Yes, is what? If I will click on this add, I want the sum of this and this. In this text box. Now see here. Yes. Click on add. Click on this add button. Click on this add button. Now here is a see here button one underscore click. Button one underscore click. ठीक है ना. अब यहाँ पे ये function है. Already मैं आप लोगों को बताया हूँ. ये देखिए ये button एक function का नाम है. और ये देखिए see here everyone. This one is the name of the function. ठीक है ना. और ये जो ब्रैकेट के बीच में जो भी होता है ये सब क्या होता है? इनपुट होता है. लास्ट क्लास में मैं बताया था ना
See here, this one is one function, function without any parameter, but this one is a function with some parameters. ठीक है ना, तो इस पे हमको नहीं जाना, हमको इसके बीच में आप इस फॉर्म पे जैसे ही जाइएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा ना, तो ऑटोमेटिकली ये इस फंक्शन के अंदर आ गए, मतलब आप इस बटन पे आप प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, क्या मैं चाहता हूँ कि ये बटन पे जब क्लिक करें, तो सी यार बटन पे क्लिक करें तो क्या हो, टेक्स्ट बॉक्स वन जो है txt1 डॉट टेक्स्ट ये जो टेक्स्ट है, प्लस टेक्स्ट बॉक्स टू में जो टेक्स्ट है txt2.text डिस्प्ले करना चाहते हैं कहां पर, txt3 ये हम डिस्प्ले करना चाहते हैं res में, रिजल्ट में, yes sir, no yes sir, here you everyone see, so this one I want in this way, what I want, txt1 means text box 1, identity I have given for the text box, for this text box I have given what, identity here txt1, so this txt1 dot text, मतलब इस जेट टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पर आ गया, इसका मतलब यही हुआ। हियर txt2 dot text, इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी इंटर करेंगे वो वैल्यू यहाँ पर आ गया, और दोनों को ये क्या आएगा, txt टेक्स्ट बॉक्स माने स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ये भी रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, और ये तो स्ट्रिंग है ही, तो ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ठीक है ना, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड सी हियर व्हाट इज द आउटपुट एवरीवन। नाउ जब नहीं दिखेगा ना तो बताइएगा, सो सी हियर आई एम एंटरिंग हियर व्हाट, फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नंबर है 11, सेकंड नंबर है 22, क्लिक ऑन ऐड, नाउ सी हियर व्हाट इज कमिंग हियर, 1122. Yes, so, but I want what? Some value of this. Yes, some I want. But what happened here? It is not coming. Why? We have to convert it in value. We have to convert it into value. Already I have discussed this point in the last class. So, see here, this one is one string. Now, this string ko humko convert karna hai. Kya cheez mein convert karna hai? Numeric. One more point I have to explain. So just wait for one minute. So the point here is, what is comment? Comment क्या होता? See here, अब जैसे ही हम लोग इसको run button को यहाँ पे जो click करेंगे start debugging. So ये हमारा program जो लिखा हो ना, इसमें line number one है. ये execute होने लगेगा. ठीक है ना? लेकिन जब इसको comment कर देंगे ना, देखिए यहाँ पे single, यहाँ पे quote होता है. इसको single quote बोलते हैं. देखिए, this one is single quote. ये comment हो गया है. मतलब कंपाइलर को ये अब नहीं दिखेगा, ये हमें दिख रहा है, हमको सिर्फ दिख रहा है, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम रखे हैं, ठीक है ना, ये अब प्रोग्राम सिर्फ दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, दिस वन इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, सो सी हियर एवरीवन, अभी मैं रन किया, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था आपको बताने आता, अभी याद आया मुझे, सो सी हियर फर्स्ट नंबर इज 11, सेकंड नंबर इज 22, Now if I will click on add, nothing will happen because program जो मैंने add button जो लिया है उसमें जो code लिखा था उसको comment कर दिया, if I click here nothing will happen, देख रहे हैं, yes or no, yes sir, yes, why, because whatever I have written the code, everything I have commented, so this one is comment, ये single code जो है इसका मतलब program जो हम भी लिखे comment हो गया, ठीक है ना, अभी सर इसको कमेंट में कैसे कन्वर्ट किए थे, कमेंट करने के लिए कीबोर्ड में हमारे पास की है सिंगल कोट, ठीक है ना, एबीसीडी जैसे होता है ना, तो कैरेक्टर होता है, ठीक है ना, सिंगल कोट, देखिए ये डबल कोट होता है, लाइक सी यार कीबोर्ड में ये डबल कोट होता है, ये कीबोर्ड में सिंगल कोट होता है, ये कीबोर्ड में सब कुछ, ठीक है ना, सो ये कीबोर्ड का चमत्कार है, here just we have to, this one is comment, this it is visible here but it is not program mein ye part nahi lega, theek hai na, ye program execution mein part nahi lega, theek hai na, just it is for our convenience, theek hai na, yahan pe hum log kya likhte hain, we can write like this, adding performing addition, performing addition like this, so it is what, one message for us, जब भी प्रोग्राम कोई देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि हाँ दिस प्रोग्राम इज फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स और थ्री नंबर्स लाइक दिस,
Okay, so this one is important point. Comment is this one. So now our point is I want to convert what? txt1 dot what? Text. ये value जो आ रहा है ना, ये value string में आएगा. This value is always coming as a string, but I want what? I want to convert this into number. So one function is there, val. See here, val. अब ये function है तो ये bracket ऐसे start होगा, ठीक है ना, और bracket close होगा. So this function val function का काम क्या है? This string को ये numeric value में convert कर देगा. Numeric so here it is number. Here this value is number. Already these things I have already explained. Yes or no, Shivani and Manjit? Yes. So see here again, well, we are passing text 2, txt 2 dot. Txt. Text. So txt. So text. This text. Now, so this one. Now see here, everyone. What happened? Value 2. Sir, is equal to. Yes. So see here, this is what one numeric value. Ye value ek number aayega. This one is also one number. So this I want to store there in result variable. RES result text dot text. Dot text. Like this, I want to write. Okay. So point here is this one is one what. नंबर, दिस वन इज वन नंबर. अब ये नंबर है, दोनों नंबर है, दोनों ऐड होगा तो एक नंबर आएगा, और यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, तो दो नंबर को ऑटोमेटिकली ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा. दिस पॉइंट ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड. यस और नो? यस सर. रन दिस वन. सो सी हियर, 11 इज देयर, 22 हियर, क्लिक ऑन ऐड, वी आर एबल टू गेट 33 और नॉट 33. Yes, sir. Already we have done in the last class. But our requirement is what? I want to display the message here. The sum of first number and second number is like this. This is our main concern here. So see here, comment कर दिया, ठीक है ना, जो भी program है उसको comment कर दिया यहाँ पर. अब क्या करेंगे, लिखेंगे here message, sum of what? Sum of two numbers means this number. Sum of first number and second number. Oh, like that. Sum of this one, like this. Txt one. ये जो हम first number, second number लिख देंगे तो क्या होगा? ये fixed हो जाएगा. Yes. Sum of txt. Txt one dot text. Dot text. So sum of txt1 dot text. Now see here everyone, this part. मैं इसमें ही ये क्या कर दिया? See here. Up to here. Sum of this and this. Any doubt to anyone? Up see here. No sir. Of this. This means text box one में जो भी value रहेगा. Plus. फिर double quote में लिखे. इसमें क्या लिखेंगे? Sum of first number. This means first number. And again second number means txt2 dot text. Okay, text. Sum of yes, this sir. And this sum of first number and second number. Okay, up to here see, then we will discuss. Yes. The output see here everyone. So everything we need to run in this way only. See here, 22, 11. Now click on add. So we are getting here what? Sum of 22 and 11. Everything we are yes, getting sir. Correctly. Yes, sir. Next one here I yes, want sir. Equal to their sum. Equal to their yes. sum. Now here. Now. So next one is, so see here, up to here. So this one is one string. This one is one what? String. This one is one string. This one is one string. Try to understand here, everything is string only. Point here is double quote Sachin. This one is a string. Beech mein plus hai. Yes. Phir yahan pe double quote ABC hai. Theek hai na? Phir beech mein plus hai. Phir double quote mein Ramesh hai.
तो ये सब कुछ स्ट्रिंग है, ये टोटली क्या, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, सो फाइनली ये क्या होगा, ये टोटली कॉन्केटिनेट होकर एक स्ट्रिंग हो जाएगा. सी हियर, यस सर, दिस वन इज 2 प्लस 3 प्लस 5, सो दिस वन इज व्हाट, इसका डेटा टाइप क्या है, नंबर है, इसका डेटा टाइप क्या है, नंबर है, इसका डेटा टाइप क्या है, सबका डेटा टाइप नंबर है, सो ये एडिशन हो सकता है. सबका डेटा टाइप यहाँ क्या है, स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग है, सो फाइनली ये क्या होगा, ये सम जब होगा ना तो एक स्ट्रिंग ही बन जाएगा, ठीक है ना. ये हमारा, अब देखिए अगर कुछ ऐसा कर दे सचिन, अब देखिए यहाँ पर ये सब तो स्ट्रिंग है, लेकिन ये दीज आर व्हाट, न्यूमेरिक नंबर, बट दिस इज व्हाट, स्ट्रिंग. सो यहाँ पे ये मिसमैच हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा कंपाइलर को कि फाइनली हमको करना क्या है, फाइनली हमको ये 2 प्लस 3 प्लस 5 को करना क्या है, ठीक है ना. जैसे अगर ये क्लैरिटी नहीं रहा इस टाइप का, आप लोग मैथ में पढ़ते होंगे 4 × 3 प्लस इस टाइप का कुछ होता है ना, डिविजन के सिंबल रहता है, ये फिर ब्रैकेट रहता है, इस टाइप का रहता है ना. यस सर, यस सर. अगर आपको यहाँ पे क्लैरिटी नहीं दिया जाए कि आपको करना क्या है, अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है ना कि पहले 4 + 2 करें या 5 × 4 करें. No, sir, sir, board mass use करके कर सकते हैं. हाँ, तो board mass का rule है ना, अगर board mass rule मान लीजिए नहीं बना रहता, अगर नहीं रहता तो confusion हो जाता, तो इसके लिए हम confusion को remove करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, तो clarity हो गया, कोई confusion नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ना. Confusion रहेगा ही नहीं, पहले bracket solve होगा, 4 × 3 होगा, 5 × 4, सो नो कंफ्यूजन. तो यहाँ पे क्या है ना, कंपाइलर को कंफ्यूजन हो जाता है कि फाइनली हमको करना क्या, ये दोनों को पहले concatenate करना है या ये पहले सॉल्व होगा, सो कंपाइलर कंफ्यूज कर जाएगा इस केस में, क्योंकि डेटा टाइप मिक्स्ड डेटा टाइप है, यहाँ पे नंबर भी है स्ट्रिंग भी है, यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा 2 + 3 में इस तरह से, क्यों, यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे कॉन्केटिनेट होकर स्ट्रिंग वैल्यू आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा. सो सी हियर एवरीवन, अप टू हियर इज क्लियर. नाउ सपोज, सो दीज आर व्हाट, स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू, दिस वन इज आल्सो व्हाट, स्ट्रिंग वैल्यू, ये स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, सब कुछ स्ट्रिंग है, और ये क्या स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग सब कुछ कैलकुलेट होकर स्ट्रिंग ही आएगा, और स्ट्रिंग में जाएगा, कोई इशू नहीं होगा. बट हियर ट्राई टू अंडरस्टैंड, आफ्टर दैट आई वांट व्हाट, इक्वल टू सम ऑफ 55 एंड 66 इक्वल टू, लाइक दिस अप टू हियर नो कंफ्यूजन, इक्वल टू है, ये स्ट्रिंग है, बट हियर इज द पॉइंट मेन, ठीक है ना. अब यहाँ पे देखिए ये क्या दिक्कत है, यही मैं बता रहा हूँ. तो सी हियर, ये जो वैल्यू आएगा ना, अगर हम लोग txt 1 सर इक्वल टू के बाद फिर से वो लिख देंगे सर, VL फिर TXT. दिस वन, ये जो वैल्यू आएगा ना, सी यार, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ये लिख देता हूँ, ये यहाँ पे जो वैल्यू है वही रहने देता हूँ, सी यार, बट दिस वन इज व्हाट, वन नंबर वैल्यू, दिस वन इज व्हाट, वन नंबर वैल्यू, ठीक है ना. अब ये दोनों नंबर है, ठीक है ना, ये दोनों नंबर है, और यहाँ पर क्या है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, और यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो एक नंबर आ जाएगा, तो कंपाइलर कंफ्यूज कर जाएगा कि करना क्या है, समझ में आ रहा है बात. यस सर. सो यस, द पॉइंट हियर इज, ये हमारा वैल्यू अगर इसको हम कर देते हैं तो न्यूमेरिक वैल्यू तो आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व ये कमेंट करें और यहाँ से कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू सम करके इसमें डाल देगा, क्यों, क्योंकि ये नंबर है और ये नंबर है, दोनों नंबर है, और नंबर को स्ट्रिंग में ऑटोमेटिकली कंपाइलर यहाँ पे कन्वर्ट कर दे रहा है. लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कंपाइलर को, यहाँ तक स्ट्रिंग है सब कुछ और यहाँ पर आप एक नंबर वैल्यू दे रहे हैं, कंपाइलर कंफ्यूज कर जाएगा. और नंबर में भी बहुत तरह का नंबर होता है, मैं बताया था डेटा टाइप, टाइप्स ऑफ डेटा, क्या इंटीजर है, बाइट है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, डबल है, सब बताए थे ना. यस सर, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, पहला फर्स्ट क्लास में इसलिए बताए थे, इंटीजर इज वन डेटा टाइप, इंटीजर इज वन डेटा टाइप, डबल इज, ये सब क्या, डबल एक डेटा टाइप है, ठीक है ना, इसी तरह से फ्लोट एक डेटा टाइप है, ऐसी बहुत सारा डेटा टाइप है, ठीक है ना, वन टू नहीं है, कैरेक्टर इज वन डेटा टाइप, CHR, बुलियन इज वन डेटा टाइप, दोज हु आर अटेंडिंग द क्लास एवरी डे दे नो ऑल दोस थिंग्स. सो
अब इसमें हमको वैल्यू क्या जाएगा, इंटीजर वैल्यू ही जाएगा, इसमें भी इंटीजर ही जाएगा, इसमें भी फ्लोट में इंटीजर ही जाएगा, लेकिन सबका रेंज है, ठीक है ना, बताया ना सब कुछ। तो सी यार, इफ यू राइट हियर दिस वैल्यू, अगर इस वैल्यू को हम लोग लिख देते हैं, सी यार, अगर ब्रैकेट में इस वैल्यू को लिखते भी है टोटली को, ये ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखा हूं, क्यों, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सम होकर, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन बोलते हैं, ऑटोमेटिक हो जाएगा एडजस्ट, ठीक है ना। अब इसको रन करेंगे तो एरर आएगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो अभी बता रहे हैं इस एरर को। सो सी यार, सो फर्स्ट नंबर इज 44, सेकंड नंबर इज 33, क्लिक ऑन ऐड, नाउ वी आर एबल टू गेट द एरर। सो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोग्राम हॉल्ट हो गया, एरर आ गया यहाँ पर। सी यार, यहाँ पे अब कर्सर यहाँ से मूव नहीं कर रहा है, यहाँ के यहाँ पर देखिए एरो, यहीं पे एरो दे रहा है, यहाँ पे कुछ इशू है, स्क्रीन आ गया। हाँ, सो ब्लैक स्क्रीन आ गया, वेट, वेट 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 फॉर अ मिनट, दैट प्रोग्राम वी विल फिनिश, वी आर ऑन द एंड ओनली, जस्ट वेट सम सिस्टम इज हैंग। Now see here, the point here is, अब इसको रन करेंगे ना तो ये है, अब इसका हम सोल्यूशन डायरेक्ट बताते हैं, रन करके दिखाने पर टाइम भी नहीं है, ठीक है ना। सो पॉइंट हियर इज, दिस वन इज रिटर्निंग व्हाट, ये जो है ना वैल फंक्शन डबल डेटा टाइप रिटर्न करता है, ये जो है इस पॉइंट सी हियर, अगर हम लोग ये टेक्स्ट बॉक्स वन जो था txt1 dot क्या था टेक्स्ट, ये रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू, ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है, सारे लोगों को पता है ये। अब इसको जब वैल फंक्शन में पास करते हैं ना, किसको, इसको ये जो है न्यूमेरिक वैल्यू में अलग अलग डेटा टाइप है, बताए हैं, ये जब इसको करेंगे तो ये रिटर्न करेगा इस टाइप का वैल्यू, डबल टाइप का, डबल टाइप मीन लाइक दिस इट विल रिटर्न। अगर यहाँ पे वैल्यू, अगर हम 22 भी डालते हैं ना, डबल कोट 22 यहाँ पर, ठीक है, अगर 22 भी डालेंगे तो ये क्या करेगा, इसको डबल है ना 22.000 ऐसे देगा, समझ रहे हैं, ये सब डबल होता है, ठीक है ना, ऐसे कुछ जनरेट करेगा, ठीक है ना। तो ये जो है फंक्शन डबल रिटर्न करता है। तो अब मैंने क्या किया है, ये भी डबल है और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को भी डबल रिटर्न कर रहा है, और दोनों को ऐड किए हैं तो वो भी फाइनली क्या रिटर्न करेगा, डबल रिटर्न करेगा, डबल रिटर्न करेगा, ये भी डबल, दोनों को ऐड करेंगे तो डबल ही रिटर्न करेगा, ठीक है ना। अब हमारे पास समझ में आ रहा ना, डबल है, और इससे पहले दैट मीन्स इन द प्रोग्राम अप टू हियर वी आर एबल टू रिटर्न स्ट्रिंग, और ये जो है डबल रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर इस डबल को अगर हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा जो मेन प्रॉब्लम हो रहा है वो हट जाएगा, दिक्कत खत्म हो जाएगा। तो कैसे वो करेंगे वो अब बता रहे हैं सीधे। सो वी हैव वन फंक्शन, फंक्शन है CSTR, किसी को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो ये CSTR एक फंक्शन है। फंक्शन ऐसे स्टार्ट होता है, बंद होता है, इसके अंदर इनपुट पास होता है। सो व्हाट इनपुट आई वांट, इसको ये जो डबल है ना, इसको हम डबल रिटर्न कर रहे हैं, उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो इस होल टोटल को सिर्फ कॉपी किए और यहाँ पर या जो आर्गुमेंट पास किए उनको पास कर दिए, ठीक है ना। नाउ रन दिस वन, नाउ रन दिस वन एवरीवन, नाउ एंटर फर्स्ट नंबर 11, एंटर सेकंड नंबर 22, नाउ क्लिक ऑन ऐड, नाउ व्हाट इज द वैल्यू, सम ऑफ 11 एंड 22 इज 33, एवरीवन इज गेटिंग अ नॉट, यस सर। सो एनी डाउट, एनीथिंग, anyone have any doubt? No sir. So same here. No sir. So if you are able to no do sir. It, so see here. And जब homework देने तो आप लोग फिर बार-बार पूछने लगते हैं क्या होगा? Sir, so click here in the subtract. Sir, I have done homework, but yes sir. उस दिन जैसे सब चाहे थे उसी तरह की है. Yes sir. Now see here. I want
subtract here. So this one is the block generated. Means button to underscore fill. Push नहीं करना है. Just we have to what? Copy this जगह minus. इसको copy कर दिए. Control C यहाँ पर आए और enter किए और control V कर दिए. और करना क्या है, यहाँ पे जो प्लस वैल्यू है इस वाले वैल्यू को माइनस कर देना, ठीक है. हाँ, यहाँ पर गए, थर्ड पे जाना है, मल्टीप्लाई पे गए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ठीक है ना. यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई सिंबल कर देंगे. वन मोर थिंग हियर, चेंज दिस मैसेज. यहाँ पे सम, ऊपर में सम था, यहाँ पे क्या आ गया, डिफरेंस. समझ में आ रहा है? यस सर. हियर वी आर प्रोडक्ट. यस सर. यस सर. एवरीथिंग इज सेम. So fast, yes, we are able to. Yes, sir. We are able to do it. Now see, I want to run this one. Now run this one. Now run this one. So if this program is clear to everyone, me, जो भी मैंने बताया, all पढ़ाना मेरा successful रहा. So I am clicking on subtraction. Now see, difference of 11 and 22 is minus 11. Minus 11. Now here. Sir, हम homework के नाम से function नहीं लिखे हैं. No problem. So see here, homework में क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, वो सबसे मैटर मुझे नहीं करता. मुझे मैटर करता है आपको आ रहा है कि नहीं, आप कर पा रहे हैं कि नहीं खुश. That is the main point. ठीक है ना. आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप समझ जाइएगा तो आप होमवर्क कर सकते हैं. नहीं समझिएगा तो गूगल से इंटरनेट से कॉपी करते रहिएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा. ठीक है, 88 कर दिए, यहाँ पे 77 कर दिए. नाउ क्लिक ऑन सबट्रैक्ट. सो वी आर एबल टू गेट what, 88 minus 27, difference of this. Now see here, I want multiplication, 99 and this, click on multiply. So we are able to get product of 99 and this, is this. Yes. Everyone is able to understand up to here? Yes sir. अब यहाँ पे सब कुछ हो गया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये देखिए, ये multiply पे क्लिक किए, अब ये value, यहाँ पे तो रिजल्ट आ गया, लेकिन ये value as it is है. मैं चाहता हूँ जैसे multiply पे किए, दोनों का value यहाँ पे display हो. लेकिन मैं चाहता हूँ अब ऐड करने जाऊं तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली हट, ये कुछ इस तरह से चाहते हैं. यहाँ पे एक बटन रहा है, उस पर क्लिक करें, ये दोनों वैल्यू हट जाए, ऑटोमेटिक रिमूव हो जाए. रीसेट आप देखते हैं ना, पासवर्ड रीसेट, इस टाइप का कुछ आता है ना. तो इसी तरह से हम एक रीसेट बटन बनाते हैं. बटन पे क्लिक किए और इस पे रीसेट कर देंगे, इसका नाम रहेगा रीसेट. डिवाइड आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है ना. So, yes, sir. Reshade. Lot of options are there. Lot. This syllabus is very big. 6 months is required for this only. Lot of things are to discuss. But that is, whole time is not there with me. Time is not with me. Within the limited time, I have to discuss lot of things. So, all the points already I have discussed. Calculator program bhi jitna main bataya hu, book mein utna bhi nahi hai. Theek hai na? So, रीसेट प्रोग्राम ना. सो रीसेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो मैं क्या चाहता हूँ, क्लोज या टेक्स्ट बॉक्स वन जो है, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टीएक्सटी, इसमें क्या हो जाए, ये स्ट्रिंग है, इक्वल टू कर दे, डबल कोट कर दिए. समझ में आ रहा है? टेक्स्ट बॉक्स टू में क्या कर दे, टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टीएक्सटी में क्या कर देंगे, डबल कोट और सिर्फ ब्लैंक कर दिए. मीन्स आई डोंट वॉन्ट टू डिस्प्ले एनीथिंग. ही आर जस्ट रन दिस वन. नाउ क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन दिस. सी हियर एवरीवन. सो आई हैव एंटर्ड हियर 22, हियर 11. नाउ क्लिक ऑन ऐड. सो नाउ दिस वैल्यू इज कमिंग. नाउ क्लिक ऑन रीसेट. रीसेट पे क्लिक करके ये देखिए, ये दोनों वैल्यू हट गया, लेकिन ये वैल्यू नहीं हटा. क्यों? क्योंकि रिजल्ट डॉट टेक्स्ट में मैंने क्या किया था, कुछ नहीं किया था, एज इट इज इट इज. इफ आई वांट दिस आल्सो ब्लैंक, सो रिजल्ट में जाके हम उसको भी चेंज कर देंगे. सी हियर एवरीवन, सब कुछ खेल कहां पर है, वेयर इज द मेन पॉइंट, सब कुछ आर ई एस डॉट टेक्स्ट. सो टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल कोट, अपेंड डबल कोट एंड क्लोज. अब यहां पे आए, इसको रन किए. सो होल, वॉट इज द मेन पॉइंट, सब कुछ यहाँ पे किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, 66, 33. नाउ क्लिक ऑन सबट्रैक्ट. नाउ हियर वी आर गेटिंग, इफ यू क्लिक ऑन रीसेट दिस वैल्यू, ऑल द थ्री वैल्यूज इज रिमूव. नाउ आई एम एबल टू एंटर द नेक्स्ट वैल्यू ऑल्सो, 33, क्लिक ऑन ऐड. नाउ हियर ऐड सम ऑफ दिस, क्लिक ऑन रीसेट, 99, 97, मल्टीप्लाई दिस, एवरीथिंग इज क्लियर.
बुक में जो दिया है 10% दिया मैंने, नियरली आपको 20% बताया है, अभी 80% ये कोर्स बुक में नहीं है आपके, जो बुक में 10% था उससे ज्यादा मैं बता दिया हूँ, कोर्स आपका खत्म हो चुका है, ये जो विजुअल बेसिक खत्म हो चुका है, आपको क्वेश्चन आंसर जो बुक में दिया हुआ है, बुक में प्रोग्राम दिया हुआ वो हम बना के बता देंगे, अब आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, मुझे जहाँ तक कॉन्फिडेंस है कि आप लोग सारा प्रोग्राम खुद से बना लीजिएगा, किसी को कुछ भी डाउट हो कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, सारा प्रोग्राम मैं करा दूंगा, एनी वन एनी डाउट बुक आप लोग चेक कर लीजिएगा विजुअल बेसिक में, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये रहेगा, हियर ओनली ट्राई टू अंडरस्टैंड, बुक में क्या क्वेश्चन दिया हुआ, मेन फंडा मैंने बता चुका है, फर्स्ट नंबर इज वन नंबर इज गिवन एंड इफ आई विल क्लिक ऑन बटन, या यहाँ पे मान लीजिए इस बटन का मैंने नाम चेंज कर दिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, क्लिक क्लिक इज द नेम ऑफ बटन ना, इफ आई विल क्लिक हियर आई वॉन्ट हियर द वैल्यू डबल स्क्वायर, तो क्या करेंगे, क्लिक पे क्लिक करेंगे, ये कॉमेंट कर दें, कोड को कॉमेंट कर दिए, ठीक है, मैं क्या नया लॉजिक चाहता हूँ कि आर ई एस डॉट txt equal to what I want, Xbox One में जो भी enter करे, Xbox One में जो भी enter करेंगे उसका double मुझे चाहिए, उसका क्या चाहिए, into two, तो square चाहिए, तो ये this one is homework, not into two, into two means it will be multiplied by two, square means you have to convert this value into what, number, फिर उसको multi means val function we need to use here, सर इजी है कर लेंगे, समझ में आ गया सर, इन वेल हियर आल्सो वेल हियर आल्सो वी नीड टू सेम होगा वही टी